सबनों सत श्रीकाल, वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष इंदर। अगर तुम 6 अगस्त वाला क्लर्क वाला पेपर दिता, थोड़ा पता होगा प्रोविजनल आंसर की आ गई है जी। मैं थोड़ा कल ही दसता सगा भी उन्होंने जंप वाले दे विच उन्होंने इन टू आंसर देंगे, लेकिन इन भी इक्वली सही है। जेडे स्टूडेंट्स इन लगा के आए हैं उन्होंने लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम यह वीडियो हर एक एक्सपीरेंट के शेयर करो, क्योंकि जित तक मैं समझना जी जिन्ने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्शन रेज करेंगे उन्ने ज़्यादा चांसिज होंगे वो इन्हें एक्सैप्ट कर। हुण एक मैं तुहानू क्यों कह रहा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर इन टू होगा, तो सपोज कर लो 70% का स्टूडेंट्स जो आंसर है वह इन टू है, 30% का इन है, तो इस करके ऑब्जेक्शन घट रेज हो गए जित तक मैं समझदा जी इस चीज़ में। लेकिन यदा मतलब ये नहीं तुसी गलत, तुसी बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना। सैट सी का 70वां क्वेश्चन है जी, ही जंप्ड ब्लैंक द रिवर टू फैच हर अ कॉइन। उन्होंने जो आंसर दिता है जी इन टू दिता है, बट जो इन है जी ये भी इक्वली बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें बेसिक जी एक चीज़ समझा देना, क्योंकि तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो जी तुम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। जिवें मैं क्या वी आर गोइंग ब्लैंक दिल्ली, ठीक है। फिर मैं क्या वी लिव ब्लैंक दिल्ली। हूँ देखो ध्यान समझ की गल है, ठीक है। एक मिनट लूँगा सिर्फ थोड़ा। एक प्रेपोजिशन है जी इन, एक प्रेपोजिशन है टू। दो चीज़ा होंदिया ने जी, एक होंगी है स्टेट, स्टेट का मतलब जिथे तो कोई मोशन नहीं है, एक होंगे मोशन, ठीक है। जिहड़ी टू प्रेपोजिशन है यह प्रेपोजिशन ऑफ मोशन है जी, क्योंकि यह डेस्टिनेशन नू शो करती है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन नू शो करती है तो मतलब बंदा सोर्स तो चल के डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होगा, तो ही यह मोशन बनेगा। अगर यह मोशन बनेगा तो इस करके जी टू प्रेपोजिशन है मोशन रैफर करती है। जिहड़ी इन प्रेपोजिशन है इट इज़ अ प्रेपोजिशन ऑफ स्टेट, यह डायनेमिक प्रेपोजिशन नहीं है। हो सकता इनू यूज कर लेंगे ने, लेकिन एक्चुअल दे विच ये स्टेटिव प्रेपोजिशन है। हुण जिवें मैं लिखा वी लिव ब्लैंक दिल्ली, जिहड़ा उहदे तुसीं लिव वर्ड यूज़ किया, ये मोशन दे विच है कुछ नहीं, मोशन तो नहीं, ये स्टेट है, ठीक है। कि थोड़ी दिल्ली डेस्टिनेशन है नहीं, तो इस करके अगर स्टेट की गल कर रहे हो स्टेटिव प्रेपोजिशन कीड़ी होगी इन। फिर तुसीं क्या वी आर गोइंग ब्लैंक दिल्ली, जो तुसीं लिखे गोइंग, गोइंग का मतलब की हो गया कि यह उरे मोशन दे विचों, अगर उरे मोशन दे विचों डेस्टिनेशन होगी मोशन की प्रेपोजिशन कीड़ी होगी टू। हुण इन्हां दोनों नूं ही मिला के कीड़ी की बन जांदा जी इन टू बन जांदा, ठीक है। हुण इन्नी गल समझा गई, इन टू का मतलब की है कि तुसीं डायरेक्शन भी दिखाती ते तुसीं प्लस डेस्टिनेशन भी दिखाती, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जिहड़ा तुहाडा फोकस है वह इनवर्ड डायरेक्शन वाली है, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इन टू आप उत्थे यूज़ करते हैं जो आप इनवर्ड डायरेक्शन नू हाईलाइट करना हो, रैफर करना हो, आप इन उत्थे यूज़ करते हैं, इन उत्थे यूज़ करते हैं जिथे आप किसी जिथे जिथे तक चीज़ वो पहुँच गई फिर आप उस चीज़ नू रैफर करना हो, इनसाइड जिन्हों आप कहने, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, अगर मैं तुहानू कहां कि उस इंसान ने छाल मारी है ना, उरे खड़ा वो बैंक ते खड़ा, मतलब उत्थे किनारे ते खड़ा, बन ते खड़ा, उन्हें छाल मारी, तो अगर वह तुसी छाल नू रैफर कर रहे हो, वह मोशन नू रैफर कर रहे हो, वह रस्ते नू रैफर कर रहे हो, तो फिर तुसी उरे इन टू का यूज़ करते हो। लेकिन अगर वह एक्चुअल च पहुंचा कित्थे, तुसी उस चीज़ नू रैफर करना चाहते हो, फिर तुसी उरे की यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे। तो यह डिफरेंस होंगे, मैं यही नहीं कह रहा कि वन इज़ रोंग एंड वन इज़ राइट, तुसी कहना की चाह रहे हो वह चीज़ पर डिपेंड करता है, है ना। तुसी क्या भी एक गिलास पानी का पानी का गिलास कुकर च रखो, है ना, तो हम तुसी गिलास भर के गिलास में कुकर च रखोगे, उन्हें पोर करोगे, हम पोर करोगे ना, समझदारी है, तो लैंग्वेज एवं ही कम करती है। तो हम तुसी देखोगे उन्हें किया ही जंप्ड ब्लैंक, तो हम तुसी आ वाली चीज़ में रैफर कर रहे हो, कितने छाल मारी इस चीज़ में रैफर कर रहे हो, तो छाल कितने मारी इस चीज़ में रैफर कर रहे हो, और डिपेंड करते तुसी की सोचना चाहते हो, की लैना चाहते हो, है ना। तो हम जिवें मैं क्या कोई इंसान है, मैं क्या भी कोई जवाक खूह के गिर गया, हूँ तुम किस चीज़ को रैफर कर रहे हो, खूह रैफर कर रहे हो, या फिर वो गिरे है इस चीज़ को रैफर कर रहे हो, मोशन तो रैफर नहीं कर रहे, वो कितने जा गिरे इस चीज़ को रैफर कर रहे हो। इस करके अगर तुम देखोगे फैल इन द रिवर या फैल इन टू द रिवर, फैल इन द रिवर, क्योंकि इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, ना कि मोशन को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। बल्कि कितने पहुंचे इंसान उस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। तो बाकी डिटेल्स मैं मंजिल बैच के सारा कुछ पढ़ाया हुआ, लेकिन उन्होंने यह चीज़ नहीं मननी है ना, तो इस करके मैं तुम्हें प्रोपर प्रूफ दूंगा जी, तो तुम देखोगे आ वाली क्लास, ठीक है। देखो मैं स्पैशल जी सारी कराई हुई है, एक क्वेश्चन होर भी सगा तो चलो आप बाद करा, हम कम की मेन गल जी है वो करते हैं जी। ऑक्सफोर्ड का सोर्स है, पहला भी पिछली बार 25 जून वाले क्लर्क के ऑक्सफोर्ड का दिता से एक्सैप्ट किया गया से, लेकिन फिर उही रिक्वेस्ट है कि शेयर करो मैक्सीम स्टूडेंट्स में ऑब्जेक्ट करन, ठीक है, रेज करन ऑब्जेक्शन। तो देखो साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है आफ्टर सम वर्ब्स थ्रो जंप पुश पुट फॉल, ठीक है, वी कैन यूज बोथ इन एंड इन टू। इन्नी गल समझ आ गई, तुम देखोगे सेंटेंस भी बच्चे सेम लिखे होने, गो एंड जंप इन द रिवर,
तो अपने जो क्वेश्चन है जी, अपने क्वेश्चन के भी तुम देखोगे रिवर लिखा है, तो उरे तो वह इन कद भी गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। लो जी मैं साइड पर हो जाना, एक बार आ जी चीज़ है मैं हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो इन एंड इन टू तो इस चीज़ को हाईलाइट कर देना। आई होप कि थोड़ा इस नाल काम बन जाएगा। लो जी तुम स्क्रीनशॉट लै लो, आई होप कि तुम्हें सबन पता चल गया होगा। बाकी जेडे स्टूडेंट्स ऑफलाइन लिए ऑफलाइन बैच तुम पता सबन, जिन्होंने नहीं पता भाई ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे धूरी के सीट्स लिमिटेड ने, तुम ये वीडियो देख लियो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, उत्थे जाके तुम सारी चीज़ प्रोसैस कर सकते हो। ऑनलाइन जिन्हें पढ़ना तुम सबन पता है कि मंजिल बैच है जी, वीडियो का एग्जाम है, कोई भी होर अगर एग्जाम है, आने वाले एग्जाम है, तो तुम इंग्लिश मंजिल बैच ऑनलाइन पढ़ सकते हो मेरे तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।